अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। इसको हम यू लिख सकते हैं एक्स इंटू, ये अलग अलग अंडर रूट है, अगर मैं इसको कंबाइन एक कर दूं तो ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन, सो डिफरेंशिएट एक्स इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। तो अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर नंबर वन एंड फैक्टर नंबर टू। तो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म को वैसे लिख दें और डिफरेंशिएट कर दें सेकंड टर्म को। सेकंड टर्म हमारे पास है ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, और अब हमने क्या करना है, प्लस लगाना है बीच में। सेकंड टर्म को अब हमने वैसे लिखना है और फर्स्ट टर्म को अब हमने डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। अब हम अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, लेकिन अप्लाई करने से पहले ये जो अंडर रूट है इसको मैं यू लिख सकता हूँ, इस स्टेप में भी मैं अप्लाई नहीं करना चाह रहा। तो ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स होल पावर वन ओवर टू प्लस ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स अंडर द रूट, और उसके बाद जो एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन की इक्वल है। तो यह अब हम अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, तो उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल क्या कहता है कि पावर को पहले वैसे लिख दें, पहले लिख दें पावर को, और उसकी पावर से वन माइनस कर दें, तो वन ओवर टू माइनस वन, पावर से वन माइनस किया, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द बेस, बेस में हमारे पास ए प्लस एक्स है और ए माइनस एक्स है, प्लस ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स अंडर द रूट। अब हमने क्या करना है, x ओवर 2 a प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, पावर 1 ओवर 2 माइनस 1 से ये माइनस कर देंगे तो माइनस 1 ओवर 2। अब अगेन हम डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, तो क्वोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो क्वोशेंट रूल के मुताबिक डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर को वैसे लिखते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं न्यूमरेटर का, यानी ऊपर वाले के डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस ऊपर वाला हम वैसे लिख देते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर को जो कि ए माइनस एक्स है। उसके बाद है प्लस ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं जहां पर जरूरत है, तो x ओवर 2 ओवर, यहां पर पावर माइनस है उसको मैं प्लस कर देता हूं और जो फ्रैक्शन है मैं उसको उलट कर देता हूं, a माइनस एक्स ऊपर लिख दिया और a प्लस एक्स को नीचे लिख दिया और पावर 1 ओवर 2 लगा दिया, प्लस कर दिया पावर को। और अब लिखते हैं a माइनस एक्स इंटू, अब जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो और उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव वन, तो जीरो प्लस वन प्लस ए प्लस एक्स इनटू, इसी तरह यहां पर भी एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो जीरो माइनस वन, डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया है और यहां पर आ रहा है ए माइनस एक्स होल पावर टू, और यहां पर इसको वैसे लिख देते हैं a प्लस एक्स ओवर
ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब इसको लिखते हैं एक्स ओवर टू ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स होल पावर वन बाई टू। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जीरो प्लस वन से वन आता है, वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए माइनस एक्स। इसी तरह जीरो माइनस वन आता है, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस लिखा हुआ था जो कि मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था जो मैंने गलती से यहाँ पर माइनस के बजाय प्लस लिखा था। तो अब यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये वाला बाहर वाले माइनस साइन के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स होल पावर टू, और इस तरह ए प्लस एक्स अंडर द रूट मैं अलग कर देता हूँ और ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट अलग कर देता हूँ, ऊपर नीचे अंडर रूट अलग लगा दिया। यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा टू ए। तो अब हमारे पास आता है एक्स ओवर टू, ऊपर आ रहा है ए माइनस एक्स पावर वन बाई टू और नीचे भी आ जाता है ए प्लस एक्स पावर वन बाई टू, और ये ऊपर आ जाता है टू ए ओवर ए माइनस एक्स होल पावर टू प्लस ए प्लस एक्स अंडर द रूट ओवर ए माइनस एक्स अंडर द रूट। यहाँ पर ज़रा हम आसान कर देते हैं, ये वाला टू इस वाले टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, टू ए के साथ टू है ये वाला और ये वाला टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो अब हम लिख सकते हैं ये आ जाता है एक्स ओवर ए प्लस एक्स अंडर द रूट, ये वाला जो ए माइनस एक्स ये नीचे मैं लेके आऊँगा, नीचे वाले की पावर टू है और ऊपर वाले की पावर माइनस वन वन बाई टू है, जब नीचे लेके आऊँगा तो माइनस वन बाई टू हो जाएगी पावर, तो उसको मैं लिखता हूँ ए ओवर ए माइनस एक्स टू माइनस वन बाई टू प्लस ए प्लस एक्स अंडर द रूट और ए माइनस एक्स अंडर द रूट। तो ये आ जाता है ए प्लस ए एक्स ओवर ए एक्स अंडर द ए प्लस एक्स अंडर द रूट, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस एक्स थ्री ओवर टू प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब इसको लिख सकते हैं इस तरह से ए एक्स ओवर ए प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसको मैंने ये जो a माइनस एक्स पावर 3 ओवर 2 है उसको मैंने ब्रेक करके इस तरह से लिख दिया। ये कैसे मैं इसको साइड पे समझा देता हूँ, ये इस तरह की चीज़ है जो मैं लिख देता हूँ अलग से। x पावर 3 बाई टू अगर हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स पावर 1 बाई टू। क्यों? क्योंकि x पावर 1 है और यहाँ पर x पावर 1 ओवर 2 है, जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों के पावर्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 इन दोनों पावर्स को मैं सम करूंगा तो इसे क्या बनता है 3 ओवर 2 बनता है। तो मैं इस x को वैसे x लिख देता हूँ और ये वाला जो x है जिसके ऊपर पावर 1 ओवर 2 है इसको अंडर रूट लिख देता हूँ। तो इसी तरह से मैंने a माइनस एक्स के ऊपर पावर जो थी वो 3 बाई 2 थी और उसको मैंने ब्रेक करके एक अंडर रूट डाल दिया और एक अंडर रूट के बगैर लिख दिया मैंने। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं,
तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। तब इस वाले के साथ सारी चीज़ें मौजूद हैं तो ए एक्स ये वैसे आ जाएगा प्लस, अब ये वाला जो है इसमें ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट ये यहाँ पर भी मौजूद है और हमारे एलसीएम के अंदर भी मौजूद है, तो इसके अलावा ये तो दो चीज़ें मिसिंग है वहाँ पर, ये वाली और ये वाली चीज़ मिसिंग है, तो ये मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट, पहले से एक मौजूद है और एक ये वाला ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो हो स्क्वायर बन जाएगा और एक ए माइनस एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए माइनस एक्स, और आगे इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस एक्स। अब दोबारा मैं कंबाइन कर देता हूँ क्योंकि ये पावर अंडर रूट जो है पावर 1/2 है और यहाँ पर पावर 1 है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये पावर बन जाएगी 3/2। और ऊपर अब आ जाएगा ए प्लस एक्स, अब फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, दिस इज लाइक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट इंटू ए माइनस एक्स पावर 3/2। तो ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है। अब इस एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है इफ y इज इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस 1/ अंडर द रूट x, देन शो दैट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू अंडर द रूट एक्स। अब हमने क्या करना है, ये हमने शो करना है, ये वाली इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है कि टू एक्स इन टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू इन टू अंडर द रूट एक्स, ये वाली इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है। तो इसके अंदर अगर हम देखें डी वाई बाई डी एक्स नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमें गिवन वैल्यू है वाई, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर 1/2 माइनस 1/ एक्स पावर 1/2 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो एक्स पावर माइनस 1/2 बन जाएगी। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और राइट साइड भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स पावर माइनस 1/2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब हम एक्स पावर 1/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा, तो पावर रूल क्या कहता है कि पावर को शुरू में लिख दें और एक्स पावर से 1 माइनस कर दें, तो माइनस 1 इंटू फॉर द डेरेवेटिव ऑफ द बेस, बेस में एक्स है, एक्स का डेरेवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगेन हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पर भी कोशेंट रूल अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, तो पावर रूल क्या कहता है माइनस 1/2 पावर को पहले लिख दें, माइनस 1/2 और पावर से 1 माइनस कर दें, माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू फॉर द डेरेवेटिव ऑफ द बेस, बेस में एक्स है, एक्स का डेरेवेटिव 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस 1/2 एक्स पावर माइनस 3/2। इसको हम यू लिख सकते हैं 1/2
और जो x पावर माइनस वन ओवर टू है इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो x पावर प्लस वन ओवर टू विच इज इक्वल टू अंडर द रूट x। तो इसी तरह इसको भी मैं लिखता हूँ वन ओवर टू x इंटू अंडर द रूट x, यानी x पावर नीचे आ जाएगी x पावर थ्री बाई टू, तो एक्स पावर थ्री बाई टू को हम ब्रेक करके x इंटू अंडर द रूट x लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब आ रहा है dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू अंडर द रूट एक्स प्लस वन ओवर टू एक्स इंटू अंडर द रूट एक्स। अब ऊपर हमने इक्वेशन में देखा जो हम प्रूफ कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स के साथ टू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, टू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जो कमी नजर आ रहे हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2x, हमने प्रूफ में देखा कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ 2x भी नज़र आ रहा है, तो मैं इस इक्वेशन के साथ 2x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड। तो सबसे पहले ये जब मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो 2x 1 ओवर 2 अंडर द रूट x प्लस 2x इंटू 1 ओवर 2x अंडर द रूट x, हमने मल्टीप्लाई किया 2x से। तो अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो ऊपर रह जाता है x ओवर अंडर द रूट x रह जाता है, और यहाँ पर पूरा 2x और 2x कैंसिल आउट हो जाता है, तो प्लस 1 ओवर अंडर द रूट x। एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर x ओवर अंडर द रूट x दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट x प्लस 1 ओवर x अंडर द रूट x। ये मैंने क्यों लिखा इस तरह से कि x अंडर द रूट x ओवर अंडर द रूट x इसकी इक्वल किस तरह से है कि ज़रा मैं साइड पे लिख देता हूँ, ज़रा चेक करें x ओवर अंडर द रूट x, अगर मैं अंडर रूट x से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऊपर आ जाएगा x अंडर द रूट x और नीचे अंडर रूट x और अंडर रूट x मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर बन जाता है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाता है x अंडर द रूट x ओवर नीचे रह जाता है x, ये x और ये x कट जाएगा विच इज इक्वल टू अंडर द रूट x। सो तो हमने क्या किया, अंडर रूट x ओवर अंडर द रूट x को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया सेम नंबर से, तो किसकी इक्वल आया अंडर रूट x के, इस वजह से मैंने यहाँ पर x ओवर अंडर रूट x किसके बराबर लिखा अंडर रूट x के। अब मैं जब ऊपर इक्वेशन में देखूंगा जिसको मैंने प्रूफ करना है, अब इस इक्वेशन में मैंने y ऐड करना है, एडिंग y ऑन बोथ साइड्स, यानी अभी जो मेरे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ चुकी है ये वाली 2x dy by dx इज इक्वल टू अंडर द रूट x प्लस 1 ओवर अंडर द रूट x, इस वाले इक्वेशन में हम क्या करते हैं y ऐड करते हैं, एडिंग y ऑन बोथ साइड्स। जब हम y ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 2x dy by dx प्लस y, इधर भी ऐड किया और 1 ओवर अंडर द रूट x, यहाँ पर भी हम y ऐड कर देंगे। लेकिन आसानी के लिए हम क्या करते हैं, जो राइट साइड पे y है क्योंकि हम प्रूफ में देखेंगे तो y राइट साइड पे नज़र नहीं आता, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या थी, जो गिवन इक्वेशन में जो गिवन वैल्यू है y की, वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं अंडर रूट x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x। ये कौन सी वाली वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है कि y इज इक्वल टू, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये प्लस 1 ओवर अंडर रूट x है, ये माइनस 1 ओवर अंडर रूट x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x टू टाइम्स अंडर रूट x। तो दिस इज द प्रूफ।
ये इक्वेशन हमने प्रूव कर दी थी। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to 4x into y minus 1। ये इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। तो जब हम जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने स्टार्ट दिया था y के डेरिवेटिव से y को हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन हम एंड तक हर स्टेप में हम ये जो इक्वेशन हम प्रूफ कर रहे हैं इसको हमने मद्देनजर रखना है, उसके मुताबिक हमने चेंजेस करने हैं। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है dy by dx, और इस तरह हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 2। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x पावर 4 पावर रूल अप्लाई होगा, 4 x पावर 4 माइनस 1 से आ जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी 2 एन 2 x पावर 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। तो dy by dx इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 4x। अभी हमारे पास आ गया है, यहाँ पर अगर हम चेक कर लें जो हम प्रूफ करना चाहते हैं, यहाँ पर 4x हमें नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमें भी नज़र आ रहा है कि 4x कॉमन है। तो मैं यहाँ से 4x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास रह जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने ज़रा एक काम करना है, ये जो गिवन वैल्यू है y की, ये वाली y की वैल्यू मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं इसके ऊपर नज़र दौड़ाऊँ तो इसके अंदर क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस और 1 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फार्मूला जहन में रखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने लिख दिया प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट n टू सेकेंड। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा, प्लस 1। ये क्या किया मैंने, इसको x पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर पावर 2, और इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो इस 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, और ये जो दूसरा 1 है ये मैंने आखिर में वैसे लिख दिया ऐड करके, और यहाँ पर मैंने लिखा 2 टाइम्स फर्स्ट इनटू सेकंड। 2 इनटू फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर है, और सेकंड क्या है, 1। तो अब ये पहले जो 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इनटू 1, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, 1 है, तो स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर प्लस 1, ये वाला, ये प्लस 1 कौन सा है, ये आखिर वाला है, इनटू वाई। अब ये वाई जो है, ये वाला 1 जो है मैं वाई की तरफ ले आऊँगा, वाई माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का अंडर रूट ले लेता हूँ, तो y माइनस 1 अंडर द रूट, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम देखें तो x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर भी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है, दिस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, अंडर द रूट y माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 4x इनटू y माइनस 1।
तो हमारा ये प्रूफ आ गया है, हमने इस इक्वेशन को प्रूफ कर दिया।